हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दोस्तों ये लाल कलर की बटन है, आप इसको दबा के कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज हम आपको ये मिल्टन का बाटल है दोस्तों, ये मैंने दोस्तों अमेजोन से ऑनलाइन ख़रीदा है, तो मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो आप दोस्तों वीडियो को देख लीजिए और दोस्तों समझ लीजिए कि ये बाटल कैसा है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाटल है जिससे हम दोस्तों पानी पीते हैं। तो ये दोस्तों मैंने ऑनलाइन परचेज किया है amazon.com से। तो इसकी दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, तो आप दोस्तों देख लीजिए और फिर दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि यह बाटल आपको पसंद आई क्या नहीं, क्या आप इसे ख़रीदना चाहते हैं। यदि आप इस बाटल को amazon.com से ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि यह बाटल कैसी है। यहां आप देख सकते हैं ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मिल्टन कंपनी की यह बाटल है। बहुत पुरानी दोस्तों यह कंपनी है और बहुत ही अच्छी बाटल बनाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉट 24 कूल, इसका मतलब दोस्तों यह है ये 24 घंटे आप इसमें पानी भरेंगे। यदि आप गर्म पानी भरेंगे मतलब कि हॉट, तो आपका 24 घंटे तक दोस्तों गर्म पानी रहेगा। और यदि आप यहाँ पे ठंडा पानी भरेंगे मतलब कूल, तो आपका 24 घंटे तक वैसा ही पानी रहेगा ठंडा। तो दोस्तों मैंने ये बाटल ली है और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप वाकई दोस्तों पानी ठंडा रहता है, ठंडा भरेंगे 24 घंटे तक। तो दोस्तों मैं आज आपको वह भी बताऊँगा। तो सबसे पहले तो अपन इसको खोल कर देख लेते हैं कि यह कैसी लगती है, कितनी सुंदर दिखाई देती है। चलिए, मैंने दोस्तों पहले से ही ओपन कर लिया था, पर आपको बताने के लिए मैं इसको खोल लेता हूँ। बाटल दोस्तों बहुत ही प्यारी है, ऐसी बाटल लगती है कि दोस्तों कि मुझे यही बाटल चाहिए, मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा। आप देखिए ये दोस्तों 1 लीटर की बाटल है, 1 लीटर दोस्तों, और 750 ml, 500 ml मतलब कि आधा लीटर, आप जैसे आप कैपेसिटी आप जैसी बाटल चाहते हैं वैसी मिल जाएगी। तो इस डिब्बे को दोस्तों हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं, इसको ऐसा घुमा देते हैं ताकि आपको कंपनी का नाम दिखाई दे। अब दोस्तों जब ऑनलाइन आप ख़रीदते हैं तो आपको एक बिल भी दिया जाता है ऑनलाइन। शायद दोस्तों आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मैं दोस्तों मैंने अमेजोन से लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इसकी कीमत क्या है आप सोच रहे होंगे ये मुझे कितने रुपए की पड़ी है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यह दोस्तों मुझे 785 रुपए की पड़ी है। टोटल दोस्तों मुझे ये 785 रुपए की पड़ी थी ऑनलाइन, दोस्तों मैंने पेमेंट किया था तो यह दोस्तों मेरे एड्रेस पर आ गया था। तो टोटल में यदि आप अभी ख़रीदेंगे इस बाटल को तो आपको कम से कम दोस्तों 800 रुपये का आपको अमाउंट देना पड़ेगा उनको, यानी कि सेंड करना पड़ेगा। आप 800 रुपये तक इस बाटल को ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो बाटल है 1 लीटर की है, यदि आप साइज कम करते हैं तो आपका जो प्राइस है वह भी कम होता जाएगा। तो बाटल आप देख सकते हैं काफ़ी चमकदार बाटल है और काफ़ी अच्छी लग रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल्टन की ब्रांडिंग है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसका जो ढक्कन है बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं पानी कहीं से लीकेज नहीं होता है।
ये देखिए मैं आपको खोल कर बता देता हूँ, ये तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे रबड़ लगी हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है, ये रबड़ जो है अंदर ये पैक हो जाती है। तो इसमें पानी क्या दोस्तों, आप अंदर से यानी कि आपको बाहर से या अंदर से हवा वगैरह आदान प्रदान नहीं हो सकती है। बहुत ही दोस्तों इसमें काफ़ी सख्त ढक्कन है, कुछ भी लीकेज की समस्या नहीं हो सकती है। और यहाँ पे इसमें ब्रांडिंग दी, ढक्कन में भी मिल्टन लिखा हुआ है। ग्रिप बने हैं दोस्तों, जिससे कि आप इसे लगाएं खोलें तो आपका हाथ स्लिप ना हो। इसको मैं रख देता हूँ। अब दोस्तों यह दोस्तों ये बाटल है, आप देख लीजिए डिजाइन वगैरह इसमें दोस्तों बहुत सारे कलर आते हैं, लाल, गुलाबी, आप जैसा भी कलर यानी कि पसंद करेंगे वैसा ही आपको बाटल मिल जाएगा। पर दोस्तों मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है, ज़्यादातर लोग इसी कलर को यूज करते हैं, ऐसी बाटल लेते हैं। दोस्तों मैंने भी लिया है और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, ये देखिए। अब दोस्तों मैंने इसको इस्तेमाल किया है करीब दोस्तों इसमें 1 महीना दोस्तों इस बाटल का मैंने इस्तेमाल किया है। तो अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि इसमें पानी गर्म रहता है कि ठंडा रहता है। तो दोस्तों ठंडी का समय आ रहा है और ठंडी के समय यदि हम कुछ भी गंजा में रखते हैं दोस्तों, या जग में रखते हैं, गिलास में, किसी में भी चीज़ में पानी, गर्म पानी रखते हैं, तो कुछ देर बाद दोस्तों आधा घंटे बाद या 15 आधा घंटे 1 घंटे बाद ठंडा हो जाता है ना। और हमको थोड़ा तो कुनकुना पानी चाहिए रहता है पीने के लिए। यदि पानी ठंडा हो जाता तो हम फिर गर्म करेंगे, बार बार दोस्तों हमको गैस जलाना पड़ता है ना। तो यदि आप गर्म पानी करें, थोड़ा कुनकुना पानी कर लें और इसके अंदर दोस्तों भर दें, तो दोस्तों पानी अब जब इसके अंदर भरेंगे ना और ढक्कन आप लगा दीजिए, तो आपका जैसा पानी है दोस्तों वैसा ही पानी रहता है। तो दोस्तों मैंने शाम को भरा था पानी और मैंने सुबह देखा था तो थोड़ा सा पानी मतलब ठंडा हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें गर्म पानी भरोगे तो वैसा ही गर्म पानी रहेगा, रहेगा दोस्तों करीब दस घंटे तक, यानी कि वो पानी गर्म रहेगा। फिर ज़्यादा समय होने पर थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी ठंडा होने लगता है ना। तो वैसा नहीं है दोस्तों कि 24 घंटे यानी कि आप गर्म पानी भरेंगे तो गर्म ही रहेगा, यदि आप गर्मी के समय ठंडा पानी भरें ठंडा भी रहेगा। लेकिन दोस्तों 80% पानी आप ठंडा भरेंगे तो पानी ठंडा ही रहेगा। तो इस हिसाब से मैं आपसे कहूँगा कि यह बाटल बहुत ही बेटर है अभी ठंडी के समय, क्योंकि ठंडी का समय आ ही गया है, क्योंकि अब तो ठंडी लग ही रही है और हमको गर्म पानी पीना अति आवश्यक है, क्योंकि ठंडे पानी से दांत यानी कि जब ठंडा पानी पीते हैं तो दांत भी किटकिटाने लगते हैं और पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है। हम ठंडा पानी पीते तो गले की समस्या भी आ जाती है, गला भी ख़राब हो जाता है। हमको कुनकुना पानी चाहिए ठंडे मौसम में। तो यह बाटल बेहद ही ख़ास है, हम इस बाटल को कहीं भी ले जा सकते हैं। हम इस बाटल को बैग में रखकर कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं आप, या कहीं अप डाउन कर रहे हैं है ना, कहीं रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, तो ये बाटल आप ले जा सकते हैं। और आपकी जब ये दोस्तों आप बाटल ले जाएंगे तो आपकी बाटल देखकर ही लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आपने ये बाटल कहाँ से ली, क्योंकि इसका लुक प्रीमियम है। इस बाटल को यानी जो भी देखेगा तो कहेगा कि वाह क्या बाटल है ये, वो अंदर ही सोचेगा कि अरे ये बाटल कहाँ से ली, काफ़ी महंगी बाटल होगी आपकी। तो ये बाटल ही दोस्तों स्टील है, ठीक है। इसमें आपको मैं बता दूँ एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, कॉपर की इसमें पेंडिंग दी गई है। तो यहाँ से दोस्तों बता दूँ मैं, ये देखिए, तो इसके अंदर दोस्तों ये कॉपर की भी पेंडिंग दी गई है, मतलब कॉपर की जो परत है वह चढ़ी है डबल, जिसके कारण दोस्तों ये पानी यानी कि आपका काफ़ी हद तक गर्म करेंगे तो गर्म ही रहेगा बॉटल के अंदर, है ना। और यहाँ पर देखिए आप, ये दोस्तों मैंने ली है इस कलर की, तो बहुत सारे कलर में उपलब्ध है, आप सिलेक्ट कर लीजिए
आपको जौन से कलर में चाहिए, पर मेरे लिए दोस्तों ये तो कलर काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों आज आपने देखा कि मैंने जो बाटल ली है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बाटल है। ठंडी का समय आ चुका है और अभी ठंडी के बाद दोस्तों गर्मी का समय भी आएगा, तो गर्मी के समय में दोस्तों आप इस बाटल में पानी भरकर कहीं भी जा सकते हैं। आपने ठंडा पानी भर लिया और आप कहीं भी यानी कि घूमने के लिए जा रहे हैं और आपको पानी पीना है तो आप इसी से पीजिए, पानी आपका ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा। यदि आप प्लास्टिक की बाटल में भरते हैं तो वो गर्म हो जाता है और पानी का स्वाद बदल जाता है, अच्छा नहीं लगता है, पर इसमें पानी आपका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं दोस्तों इसी बाटल से पानी पीता हूँ डेली। ओके, अब दोस्तों इस बाटल में तो आप पानी भर सकते हैं, साथ ही दोस्तों यदि आप गर्मी के समय जूस बनाते हैं, आपको मैंगो का जूस बनाया, आपने संतरे का जूस बनाया, ठीक है, तो आपने फ्रिज में रखा, ठंडा है। यदि आप कहीं जा रहे हैं लंबी सफ़र पर जा रहे हैं, ठीक है, 10 घंटे का रास्ता है, 12 घंटे का रास्ता है, तो आप वह जूस इस बाटल में भर सकते हैं और इस बाटल में भर के दोस्तों आप फिर यानी कि पी सकते हैं, आपका जूस ठंडा ही रहेगा। इसमें कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और शराब वगैरह दोस्तों यह दोस्तों आपको नहीं भरना, इससे दोस्तों अंदर की जो बाटल है उसकी परत ख़राब होती है, ठीक है। तो ये सोडा युक्त यानी कि जो भी है, जैसे कोका कोला होगा, स्प्राइट वगैरह हो गया, जो झाग देते हैं वो आपको इसमें नहीं भरना है, नहीं तो यह बाटल यानी कि ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस बाटल का वीडियो कैसा लगा और दोस्तों आपको यह बॉटल कैसी लग रही है, इसका अनुभव आप कमेंट में शेयर करें और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और हमारा यह नया चैनल है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।